The 100 dresses passed. इंट्रोडक्शन इसके पहले वाले वीडियो में है. टुडे मंडे वंडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट. आज मंडे वंडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट. वो अपनी सीट पर नहीं थी क्लास में. बट नोबडी नॉट इवन पेगी एंड मेडिलिन. लेकिन किसी ने भी नहीं, यहाँ तक पेगी और मेडिलिन ने भी नहीं. द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन एंड नोटिस हर एब्सेंस. जो लड़कियाँ स्टार्टेड ऑल द फन सभी प्रकार से आनंद लेती थी. नोटिस हर एब्सेंस उन्होंने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया. यूजुअली वंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. अक्सर वंडा सेट्स इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट अंतिम सीट की बगल वाली सीट में बैठती थी. इन द लास्ट रो अंतिम पंक्ति की इन रूम 13. रूम 13 में शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. वह रूम के कोने में बैठती थी. वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट. यहाँ पर वे उबाव वाले या बेकार लड़के बैठते थे. हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स एट. जिनके अच्छे नंबर नहीं आते थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम वर देयर वाज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट. कोने का वह रूम वर देयर वाज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट. जहाँ पर स्कफिंग ऑफ द फीट पैरों का बहुत शोर शराबा होता था. मोस्ट रोवर्स अत्यधिक दहाड़े लगाई जाती थी. ऑफ लाफ्टर हंसी की. वैन एनी थिंग फनी वो सेड. जब भी कोई मजाकिया बात कही जाती थी. एंड मोस्ट मड और अत्यधिक वहाँ पर कीचड़ होता था. एंड डर्ट गंदगी ऑन द फ्लोर फर्श पे. वंडा डिड नॉट सिट देयर. वंडा वहाँ नहीं बैठती थी. बिकॉज क्योंकि शी वाज रफ एंड नॉइजी. क्योंकि वह रफ एंड नॉइजी थी. यानी वह जगह. ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत शी वाज वेरी क्वाइट एंड रेयर सेड एनीथिंग एट ऑल. कि वह बहुत ही शांत दुर्लभ. सेड एनीथिंग एट ऑल. कोई भी पूरी तरह से कह सकता है कि वह बिल्कुल शांत और दुर्लभ थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. और यहाँ तक किसी ने भी उसकी जोर से हंसी को नहीं सुना था. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इंटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल. कभी कभार वह अपने मुंह को ट्विस्टेड मोड़ लेती थी. इंटू ए क्राउड सिक्योर्ड लेती थी. सॉर्ट ऑफ स्माइल थोड़ी सी मुस्कुराहट के लिए. बट दैट वाज ऑल. लेकिन यही था. इससे ज़्यादा वह नहीं मुस्कुराती थी. नोबडी न्यू. कोई नहीं जानता था एग्जैक्टली ठीक तरीके से वाई वंडा सेट इन दैट सीट. कि वंडा इस सीट पर क्यों बैठती थी. अनलेस जब तक इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे. इसका कारण यह था. शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगीज हाइट्स. क्योंकि वह पूरे रास्ते में बोगीज हाइट्स से आती थी. जगह का नाम है. एंड हर फीट वर यूजुअली कैक्ड विद ड्राई मड. और अक्सर उसके पैर ड्राई मड सूखे कीचड़ से सने होते थे. कैक्ड सने होते थे. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वंडा पेट्रोस्की. लेकिन किसी ने भी वंडा पेट्रोस्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था. वंस एक बार शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. एक बार वह रूम के कोने में बैठी थी. द टाइम उस समय व्हेन दे थॉट अबाउट वंडा. जब उन्होंने वंडा के बारे में सोचा. वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल हावर्स. जो कि स्कूल के समय के बाहर थी.
एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वे वापस स्कूल आ रहे थे, और या फिर इन द मॉर्निंग अर्ली, या फिर सुबह जल्दी, बिफोर स्कूल बिगन, स्कूल शुरू होने से पहले, व्हेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री, जब दो या तीन ग्रुप और इवन मोर या इससे भी ज़्यादा, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जो बातें करते रहते, हंसते रहते स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में, देन समटाइम, तब कभी कभार, दे वेटेड फॉर वंडा, वे वंडा के लिए इंतज़ार करती, टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूसडे, वंडा वाज नॉट इन स्कूल, वंडा स्कूल में नहीं थी आइदर या तो, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर से उसकी उपस्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट उसकी अनुपस्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट वेड नेक्स्ट डे पिगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, लेकिन वेडनेस्ट डे के दिन पिगी और मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो कि सामने बैठी थी दूसरे बच्चों के साथ, हु गॉट गुड मार्क्स, जो कि अच्छे नंबर प्राप्त करती थी, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए ऑल आउट ऑफ मड, और यहाँ पर ज़्यादा कीचड़ भी नहीं था, ट्रैक उस जगह पर ऑल ऑफ मड, डिड नोटिस, उन्होंने ध्यान दिया, देट की वंडा वाज नॉट देयर, की वंडा वहाँ पर नहीं थी, पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पेगी स्कूल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लड़की थी, शी वाज प्रीटी, वह सुंदर थी, शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स, उसके बहुत सारे सुंदर कपड़े थे, एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल भी घुंघराले थे, मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी घनिष्ठ मित्र थी, नोटिस वंडा एब्सेंस, उसने वंडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, वंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, बिकॉज क्योंकि वंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वंडा की वजह से वह स्कूल में देरी हो गई थी, दे हैड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया, वेटेड फॉर वंडा, वंडा के लिए, टू हैव सम फन विद हर, उसके लिए कुछ मजाक करने के लिए, एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वह तब तक आई नहीं थी, दे ऑफ्टन वेटेड फॉर वंडा, अक्सर वह वंडा के लिए इंतज़ार करते थे, वंडा पेट्रोसी के लिए, टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए, ओरल कंप्रेशन चेक, वेयर इन द क्लास क्लोज वंडा सीट एंड वाई, कक्षा में वंडा कहाँ पर बैठती थी और क्यों बैठती थी, वेयर डज वंडा लिव, वंडा कहाँ रहती थी, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज, ये किस प्रकार का स्थान है आप इस स्थान के बारे में सोचते हो, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वंडा एब्सेंस, कब और क्यों पेगी और मैडी ने वंडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, आपका क्या, आप क्या सोचते हो, टू हैव फन विद हर मीन्स, इसका आपके हिसाब से क्या अर्थ है, वंडा पेट्रोस की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13, वंडा पेट्रोस की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, जो अधिकतर बच्चे थे रूम 13 में, डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, इस प्रकार का नाम किसी का नहीं था, दे नेम्स इजी टू से, उनके नाम थे बोलने में आसान थे, लाइक जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन, देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ पर एक लड़के का नाम बाउंस था, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग सोचते थे कि ये मजाकिया नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस की वॉज, लेकिन उस तरीके से मजाकिया नाम नहीं था जिस तरीके से पेट्रोस की वॉज, पेट्रोस की का नाम था, वंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वंडा के कोई मित्र नहीं था, शी केम टू स्कूल अलोन, अकेली स्कूल आती थी, एंड वेंट होम अलोन, और अकेली स्कूल
से जाती थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वह हमेशा एक भद्दे और या फिर फेडेड उड़े हुए रंग की नीली ड्रेस पहनती थी। दे डिडंट हैंग राइट, और जो भी उसके अच्छी तरह से आती भी नहीं थी। इट वाज क्लीन, वह ड्रेस जो थी वह साफ थी। बट इट लुक्स हैज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ये ड्रेस ऐसी दिखती थी हैज दो मानो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, मानो इसको कभी भी ठीक तरह से इस पर प्रेस ना की गई। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, उसके कोई मित्र नहीं था। बट अलॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें करती थी। सम टाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभार वे उसे स्कूल के प्रांगण में घेर लेती थी। शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स, वह खड़ी रहती थी वॉचिंग देखती हुई। द लिटिल गर्ल, छोटी छोटी बच्चियों को प्ले ऑफ स्कोप्स ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, जो कि ऑफ स्कोप गेम को स्कूल प्रांगण के कठोर ग्राउंड में खेलती रहती थी। ऑफ स्कोप्स एक गेम है जिसमें बच्चे उछल कूद करते हैं ज़मीन पर निशान लगा करके, जैसे ज़मीन पर रेखाएं खींच करके खेलते हैं। वंडा पीगी वुड से इन अ मोस्ट कोर्टियस मैनर हैज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन। वंडा पीगी वुड से पीगी का करती है इन अ मोस्ट कोर्टियस मैनर, अत्यधिक शिष्टाचार तरीके से। एज दो मानो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन, मानो कि वह मिस मेसन से बातें कर रही हो। वंडा शी वुड से वो अक्सर कहा करती थी गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड ए नड नड, अपने किसी सहेली को हल्का सा धक्का दे के, नज यानी होता है हल्का सा धक्का देना। टेलस, हमें बताओ हाउ मैनी ड्रेसेज डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन यूअर क्लोसेस्ट। हाउ मैनी ड्रेसेज, कितनी ड्रेसें डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन यूअर क्लोसेस्ट, तुमने अपनी अलमारी में कितनी ड्रेसें रख रखी है, बताओ कितनी ड्रेसें हैं। अ हंड्रेड, वंडा वुड से, वंडा कहा करती थी एक, वन हंड्रेड, ए हंड्रेड, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली। जैसे वंडा कहती थी अ हंड्रेड, एक सौ, तो ऑल द लिटिल गर्ल्स, सभी छोटी लड़कियां आश्चर्यपूर्वक इनक्रेडुलसली बिना विश्वास किए हुए ही। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कोप्स, और वह छोटी बच्चियां ऑफ स्कोप खेलती हुई रुक जाया करती थी। एंड लिसन, और सुनती थी कि अ हंड्रेड ऑल लाइंड अप, ये एक सौ सारी लाइंड अप है, जमी हुई है। सेड वंडा, वंडा कहती थी। देन हर थीन लिप्स ड्रू टुगेदर, तब उसके पतले होंठ ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, एक साथ उनको वह चिपका करके चुप हो जाती थी। टुगेदर इन साइलेंस, व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पिगी। पिगी शर्त लगाती है कि वे सब ड्रेसें किस तरह की है, सारी सिल्क है, रेशम की है। ये ऑल सिल्क, ऑल कलर्ड, सारी रेशम की है, सभी रंग की है। वेलवेट भी, मलमल की भी है क्या ये? वेलवेट टू वेलवेट भी है। हंड्रेड ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली
वंडा फिर से दोहराती है स्टोलिडली बिना किसी भावनाओं को व्यक्त किए हुए कि 100 ड्रेसें हैं, सभी वेलवेट हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोथिस, सारी लाइन से अलमारी में जमी हुई है। देन दे वुड लेट हर गो, तब वे उसे जाने देते, एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार, और जब बिफोर शी वुड गोन वेरी फार, जैसे वो ज़्यादा दूर नहीं जाती थी उनसे, तभी दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इन टू श्री कैंड पील्स ऑफ लाफ्टर। दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इन टू श्रिक एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, वे अपने आप को रोक नहीं पाते थे, उनकी हंसी फूट पड़ती थी, चीख पड़ते थे, पील्स ऑफ लाफ्टर ठहाके लगाते थे हंसी के। अ 100 ड्रेसेज ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से द ओनली ड्रेसेज वंडा वाज द ब्लू एंड वन सी और एवरी डे, निश्चित रूप से एक ही ड्रेस है वंडा के जो ब्लू रंग की है, एक सी और एवरी डे जिसे वो रोजाना पहनती है। सो वाई डिड सी से शी हैड अ 100, तब इसीलिए क्यों वह कहती है कि उसके 100 ड्रेस है। वाट ए स्टोरी, क्या मामला है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, कितने जूते हैं, यू से यू हैड, आप कहो आपके कितने, आपके पास कितने जूते हैं। 60 पेयर्स, 60 जोड़ी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, वह भी सारे अलमारी में जमे हुए। क्राइज ऑफ एग्जरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, क्राइज ऑफ एग्जरेटेड उत्सुकता किसी के, पोलाइटनेस विनम्रता, ग्रीटेड अभिवादन दिस, इस प्रकार से वे उत्सुकता और विनम्रता और अभिवादन से चीखते। ऑल आई लाइक, सभी एक ही तरीके से, क्या, ओहो नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, प्रत्येक जोड़ा अलग अलग है। ऑल कलर, सभी रंग के हैं। ऑल लाइंड अप, सभी लाइन से जमे हैं। पिगी, हु हैड थॉट अप दिस गेम, पिगी जिसने इस खेल के बारे में सोचा था, एंड मेडी आर इनसेपरेबल फ्रेंड, जो कि उसकी घनिष्ठ मित्र थी, वर ऑल्सो द लास्ट टू लीव, जो हमेशा उसे सबसे अंत में छोड़ती थी स्कूल में। फाइनली वंडा वुड मूव अप टू स्ट्रीट, अंत में वंडा गली में मुड़ जाया करती थी। हर आइस डल, उसकी आंखें नम थी, एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसका मुंह बंद था। हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, वो अपने बाएं कंधे को उचकाती हुई, एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे, हर समय मजाक के तरीके से, सी हेड वो जो उसका था मजाक किया। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, वो अकेली ही स्कूल की यात्रा ख़त्म करती। पिगी वाज नॉट रियली क्रूअल, पिगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे बच्चों की, शैतान बच्चों से सुरक्षा करती थी। एंड और शी क्राइड फॉर हावर शिप सी सव एन एनिमल मिस्ट्रीटेड, वह चीख चिल्ला पड़ती थी फॉर हावर्स, किसी भी समय, इफ सी सव एन एनिमल मिस्ट्रीटेड, यदि वह किसी जानवर को गलत व्यवहार करते हुए देखती। इफ एनी बडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उससे कहता, डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूअल वे, क्या तुम नहीं सोचती, दैट इज ए क्रूअल वे, ये निर्दयी तरीका है टू ट्रीट वंडा, वंडा के साथ व्यवहार करने का। तो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो वह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाया करती थी, क्रूअल, निर्दय। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, निर्दय, तो वह क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज है। एनी बडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी बता सकता था कि दैट वाज ए लाई, कि ये बात झूठ है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, वह क्यों झूठ बोलना चाहती बोलती है। एंड शी वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह एक
साधारण व्यक्ति भी नहीं है। एल्स इसके सिवा वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, उसका नाम ऐसा क्यों है। एनी वे वैसे भी दे नेवर मेड हर क्राई, वैसे भी वह उसके लिए चिल्लाते नहीं हैं। हेज फॉर मेडी, जैसा कि मेडी के लिए। दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसिस, जैसा कि वंडा के लिए ये एक बिजनेस था यानी काम था। आस्किंग वंडा, वंडा से पूछते रहना एवरी डे रोजाना, हाउ मैनी ड्रेसिस कितनी ड्रेस है, हाउ मैनी हेड्स कितने टॉप है सिर पे लगाने के टोपियाँ, एंड हाउ मैनी टी हाउ मैनी दिस, और ये किस प्रकार के हैं। दैट सी हेड वॉस बोदरिंग हर, दैट सी हेड क्या उसके पास है, बोदरिंग हर क्या उसको परेशानी है। मेडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मेडी स्वयं भी गरीब थी। शी यूजुअली वोर सम बडीज हैंडेड मी डाउन क्लॉथ, वो भी अक्सर दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहन के आती थी। सम बडी हैंड मी डाउन या किसी के दिए हुए कपड़े ही। थैंक गॉडेस, भगवान को का शुक्रिया है। शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगी साइट और हैव अ फनी नेम, कि वह बोगी साइट में नहीं रहती थी और उसका मजाकिया नाम नहीं था। सम टाइम वैन पिगी बोज आस्किंग वंडा, कभी कभार जब वह वंडा से पूछा करती थी दोज क्वेश्चन, वह प्रश्न इन दैट मॉकिंग पोलाइट वाइस, इस झूठी विनम्रता की आवाज़ में, तो मेडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड एंड स्टडीज द मार्बल इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो मेडी को अनुभव होता एम्ब्रेस्ड शर्म एंड स्टडीज, और वह अध्ययन करती थी द मार्बल्स इन हर द पाम ऑफ हर हैंड, अपने हाथ में जो मार्बल्स हैं उनको, एंड रोलिंग देम और उनको लुढ़काती रहती। सेइंग नथिंग, कुछ भी नहीं बोलती हर सेल्फ स्वयं। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वंडा, ना तो वो वंडा के लिए दुख अनुभव करती थी। एग्जैक्टली वास्तव में शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वंडा, कि उसने कभी भी वंडा पर ध्यान ही नहीं दिया था, पेड एनी अटेंशन कोई ध्यान नहीं दिया था। ही पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड, यदि पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसिस गेम, यदि पेगी ने ड्रेसों का खेल को इन्वेंटेड आविष्कार नहीं किया होता। बट सपोज, लेकिन मान लो पेगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेस्ट, पेगी और दूसरे भी जो उन्होंने जो उनके आसपास थे उन्होंने भी ये कार्य स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। ही वॉज नॉट हैज पुअर हैज वंडा, वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी वंडा थी, पर शायद बट शी वॉज पुअर, लेकिन वह गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड ए हंड्रेड ड्रेसिस, वास्तव में उसके पास ज़्यादा समझ थी देन टू से कहने की अपेक्षा कि उसके पास हंड्रेड ड्रेसेज है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, तब भी शी वुड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करती थी फॉर देम उनके लिए, टू बिगिन ऑन हर कि वह उसके लिए ऐसे शुरुआत करें। शी विश्ड पिगी वुड स्टॉप टीजिंग वंडा पेट्रोस्की, उसकी इच्छा भी थी कि वह वंडा पेट्रोस्की को स्टॉप टीजिंग चिढ़ाना बंद कर दे। इन वाट वे वॉज वंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, वंडा दूसरे बच्चों से किस तरीके से अलग थी। डिड वंडा हैव ए हंड्रेड ड्रेसिस, क्या वंडा के पास अ हंड्रेड ड्रेसिस है या फिर थी। वाई डू थिंक शी सेड शी डिड, वाई डू यू थिंक, क्या आप भी क्यों सोचते हो कि शी सेड शी डिड, उसने कहा और जो उसने किया। वाई इज मेडी एम्ब्रेस्ड बाई द क्वेश्चन पेगी आस्क वंडा, मेडी को शर्म क्यों आती थी जब पेगी वंडा से क्वेश्चन पूछती थी। इज सी ऑल्सो लाइक वंडा, क्या भी वह भी वंडा की तरह ही थी, और या इज सी डिफरेंट, या फिर वह भी अलग थी। टूडे इवन दो, आज यहाँ तक, यद्यपि दे हैड बीन लेट टू स्कूल, यद्यपि उनको स्कूल में आने में देरी हुई। मेडी वाज ग्लेड, तब भी मेडी खुश थी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वंडा, क्योंकि उन्होंने
वंडा का मजाक नहीं उड़ाया था। ही वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एबसेंट्स माइंडेंडली। उन्होंने अर्थमेटिक की समस्याओं का एबसेंट माइंडेंडली बिना ध्यान के ही उनको पे काम किया था। आठ को आठ बार, लेट सी आओ देखते हैं। गणितीय समस्याएं या गणित के सवाल संबंधित है। शी हैड द नर्व टू राइट पेगी ए नोट। उसकी इच्छा थी। शी हैड द नर्व टू राइट पेगी ए नोट कि वह पेगी को एक नोट लिखे या बिकॉज क्योंकि शी नव वह जानती थी कि शी नेवर वुड हैव द करीज कि उसमें हिम्मत नहीं थी, कभी भी मत नहीं आएगी टू स्पीक राइट आउट टू पेगी कि वह पेगी से बोले, टू से उससे कहे हाय पेगी, लेट्स स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मैनी ड्रेसेस कि वंडा के कितनी ड्रेस है। शी हैज व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट नॉट टू पेगी। जब उसने अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया तो शी डिड स्टार्ट ए नोट, तो उसने एक नोट लिखा पेगी को, क्योंकि वह सामने तो उससे कुछ बोल नहीं सकती थी इसलिए वह लिख के उसको देगी। सडनली अचानक से शी पॉज्ड व रुक जाती है। सडन अचानक से वह रुक जाती है एंड सडन और घबरा सी जाती है। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, वो अपने आप का चित्र भी स्कूल के प्रांगण में खींच लेती है, यानी वो सोचने लग जाती है कल्पनाओं में। अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स कि वह पेगी और दूसरी लड़कियों के लिए एक नया टारगेट बन जाएगी यदि वो पत्र लिखेगी तो। पेगी माइट आस्क हर, पेगी हो सकता है उससे भी पूछे वेयर शी गॉट द ड्रेस कि उसके ड्रेस से कहाँ से मिलती है। दैट शी हैड ऑन जो कि वह उसके पास होती है। मेडी वुड हैव टू से, मेडी को कहना पड़ेगा इट वाज वन ऑफ पेगी ओल्ड वंस कि ये भी पेगी की पुरानी है। दैट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज कि मेडी की माँ ने प्रयास किया था टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। मेडी ने प्रयास किया टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग, नया रूप धारण, नए अपने आप को नए रूप में लेने का, सो इसलिए कि नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट कि उसे कोई भी रूम 13 में कोई भी उसे पहचान नहीं सके, यानी उसकी वास्तविकता का कोई पता ना लगा सके, इसलिए अपने आप को वह बदलती है। इफ ओनली पिगी वुड डिसाइड ऑफ हर वन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वंडा, यदि केवल पिगी वुड डिसाइड फैसला कर ले ऑफ हर ओन स्वयं ही अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन अपने अनुसार ही वंडा की मजाक को रोकने का, अच्छा रहे। वेल मेडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लंड हेयर हैज दो टू पुश द अनफोर्टेबल थॉट्स अवे। मेडी रेन दौड़ी हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लंड हेयर हैज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। मेडी ने अपने हाथ से अपने घने बालों को लहराया। हैज दो मानो टू पुश द अनफोर्टेबल थॉट्स अवे, मानो कि वह अपने मस्तिष्क से असहाय विचारों को हटाना चाहती हो, उनको धक्का दे करके दिमाग से दूर हटाना चाहती हो, इस प्रकार से उसने अपने बालों को पर हाथ फेरा। वाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या अलग। स्लोली धीरे धीरे मेडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स, धीरे धीरे मेडी ने उस नोट्स को जो उसने लिखा था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी हैड स्टार्ट जो उसने शुरू किया था। शी वाज पिगी इज बेस्ट फ्रेंड, वह पिगी की सबसे अच्छी सहेली थी। एंड पिगी वाज द बेस्ट लाइट गर्ल्स इन द ऑल रूम, और पिगी पूरे ही रूम में सबसे
अच्छी लड़की थी, पसंद करने योग्य। पिगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, दैट वाज रियली रॉन्ग। पिगी के लिए संभव भी नहीं था डू एनीथिंग, कुछ भी करना। दैट वाज रियली रॉन्ग, जो वास्तव में गलत हो। शी थॉट, उसने सोचा। हैज फॉर वंडा, जैसा कि वंडा के लिए। शी वाज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अप ऑन बोगी साइट, जैसा कि वंडा के लिए वह कुछ लड़कियां हैं जो बोगी साइट में रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन स्कूल यार्ड, वह जो स्कूल में अकेली खड़ी रहती थी। शी स्क्रेसली एवर सेड एनीथिंग, उसने मुश्किल से कभी कुछ कहा हो टू एनीबॉडी, किसी से। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड, केवल वही समय होता था जब वह बातें करती थी, वह स्कूल का प्रांगण का समय होता था। अबाउट हर 100 डेसीज, उसकी 100 डेसीज के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद आता है हर, मैडी रिमेंबर्ड हर, मैडी उसको याद करती है। टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, उसकी 100 ड्रेसेस को याद करते हुए। पेल ब्लू, पीली, नीली विद कलर ट्रिमिंग, जिनका अलग अलग रंग है। एंड शी रिमेंबर्ड अनादर, तब वो दूसरी ड्रेस को याद करती है। देट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो कि शानदार और जंगली हरे रंग की है। विद ए रेड शेप, जिसके लाल शेप है। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, जिसमें आप क्रिसमस का जो ट्री होता है उसके जैसे दिखते हो। द गर्ल्स से हेड सेड इन प्रेटेंड एडमायरेशन, दिखावे के आकर्षण में लड़कियों ने ऐसा बोला दिखावा करते हुए। थिंकिंग अबाउट वंडा एंड 100 ड्रेसेस, वंडा के बारे में सोचते हुए और उसकी 100 ड्रेसों के बारे में। वो लाइंड अप इन द क्लोसेस्ट, जो कि अलमारी में सब व्यवस्थित है। मैडी बिगन टू वंडर, मैडी को भी आश्चर्य होना शुरू हो गया। हु वाज गोइंग टू विन द ड्रॉइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, की जो प्रतियोगिता है ड्रॉइंग की, चित्रकारी की और कलरिंग की, रंग भरने की, वह कौन जीतने जा रहा है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए। दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसिस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, लड़कियों के लिए कॉन्टेस्ट जो था कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग, जिसमें डिजाइनिंग शामिल थी ड्रेसों की। फॉर बॉयज, लड़कों के लिए डिजाइनिंग मोटर बोट्स, मोटर बोट की डिजाइनिंग का कॉन्टेस्ट था। प्रोबेबली पिगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, संभवतः पेगी ही लड़कियों का मेडल जीतेगी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पेगी रूम में दूसरों की अपेक्षा अधिक अच्छा चित्र बना सकती थी या बनाती है। एट लास्ट, अंत में, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट, जो सभी ने सोचा था। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, कि वह मैगजीन की चित्र को भी कॉपी कर सकती थी, नकल कर सकती थी। और सम फिल्म स्टार, और कुछ फिल्मी जो स्टार थे उनके हेड यानी उनके सिर को भी, उनके चेहरे को भी कॉपी कर सकती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, और इतना अच्छा चित्र बना सकती थी कि कोई भी कह सकता था कि यह कौन है। ओ मैडी वाज श्योर पेगी वुड विन, मैडी को विश्वास था कि पेगी जीतेगी। विल वेल ठीक, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर, टुमारो टीचर विजेता का घोषणा करने जा रहा है। देन दे वुड नो, तब वे जान जाएंगे। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, अगले दिन हल्की सी बरसात हो रही थी। मैडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला, मैडी और पेगी की अम्ब्रेला में जल्दी से स्कूल आए। नेचुरली, अक्सर या सामान्य रूप से, ऑन अ डे लाइक दिस, किसी भी दिन इस तरीके से। दे डिड नॉट वेट फॉर वंडा, वे वंडा के लिए इंतज़ार नहीं करते थे। पेट्रोस की ऑन द कॉर्नर ऑफ सिल्वर स्ट्रीट, सिल्वर स्ट्रीट के कोने में।
द स्ट्रीट दैट फार, वह गली जो दूर थी, फार अवे बहुत दूर, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, रेल रोड का जो ट्रैक था, एंड अप द हिल और पहाड़ियों के ऊपर, लेड टू बोगीज हाइट्स, जो कि बोगीज हाइट की ओर जाती थी, एनी वन कोई भी, दे वर टेकिंग चांस ऑन बींग लेट टू डे, आज कोई भी ऐसा मौका नहीं लेना चाहता था जिससे स्कूल जाने में देरी हो जाए, बिकॉज क्योंकि टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का समय महत्वपूर्ण था, विनर की घोषणा होनी है। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आज पीगी, पीगी ने पूछा, क्या आपको, आप क्या सोचते हो कि मेसन विल अनाउंस द विनर, कि मेसन विजेता की घोषणा करेगी आज। ओ आई होप सो, मैं भी ऐसा ही आशा करती हूँ। द मिनट्स वी गेट इन, कुछ मिनट में हम वहाँ अंदर होंगे स्कूल में, सेड मैडी। ऑफ कोर्स, वास्तव में, यू विल विन पैग, वास्तव में पैग तुम जीतोगी। होप सो, ऐसी आशा करते हैं, सेड पिगी ईगरली, पिगी ने भी उत्सुकता से कहा। द मिनट्स दे एंटर्ड द क्लास रूम, जिस समय, जिस मिनट में उन्होंने क्लास में प्रवेश किया, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्ड, वह रुके एंड गैप्स्ड, देयर वर ड्रॉइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्रॉइंग लगी हुई थी, चित्र लगे हुए थे, ऑन एवरी लेज, प्रत्येक कोने में, विंडो सील, खिड़कियों की दहलीज पे, डेजलिंग कलर्स, अलग अलग रंग के, ब्रिलियंट, शानदार, लेविस डिजाइन, भव्य डिजाइन में, ऑल ड्राइंग ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, सारी ड्राइंगें, सारी ही चित्रकारी रैपिंग पेपर में थी, कागज़ से बनी हुई थी। द मस्ट हैव बीन हंड्रेड ऑफ देम, उनमें से ज़रूर 100 थी, ऑल लाइंड अप, सभी लाइन से थी। दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये ज़रूर ड्राइंग के कॉन्टेस्ट के लिए थी, देवर वे थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड एंड मर्मर्ड एडमायरली, सभी रुक गए और विसल्ड, सीटियाँ बजाए, मर्मर्ड या फिर बड़बड़ाए, एडमायरली प्रशंसा करते हुए। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास लगी, मिस मेसन अनाउंस द विनर, मिस मेसन ने विजेता की घोषणा की। जैक बेगल्स हेड ऑन फॉर द बॉयज, जैक बेगल लड़कों में, जैक बेगल जीता, शी सेड, एंड उसने, अध्यापिका ने बोला, एंड हिज डिज़ाइन फॉर आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जिबिशन इन रूम 12, जो कि रूम 12 में सबसे शानदार थी मोटर बोर्ड में, अलॉन्ग विद द स्केच बाय ऑल द अदर बॉयज, साथ में ही जो दूसरे लड़कों ने स्केच खींचा था उसमें, हेज फॉर द गर्ल्स, जैसा कि लड़कियों के लिए, शी सेड, उसने कहा, ऑल दो जस्ट वन और टू स्केच वर सबमिटेड बाय मोस्ट, लड़कियों की ड्रेसों में से, ड्रेसों की डिजाइन में से, ऑल दो यद्यपि जस्ट वन और टू स्केच वर सबमिटेड, एक दो स्केच चित्रकारों को ही, चित्रों को ही स्वीकार किया गया बाय मोस्ट, अधिकतर में से, वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की है, टीचर बोल रही है, एक लड़की है, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, रूम नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। दिस इज वन गर्ल, ये एक लड़की है, एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, जिसने 100 डिज़ाइन के चित्र बनाए हैं, ऑल डिफरेंट, सब अलग अलग है, ऑल ब्यूटीफुल, सारे सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जज, और न्यायाधीश के हिसाब से भी, न्याय के हिसाब से भी, एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग, प्रत्येक ड्रेस जीतने की योग्यता रखती है या जीतने के काबिल है, वर्थी द प्राइज, उपहार। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ टू से दैट, यह कह कर के कि वेंडा पेट्रोस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि वेंडा पेट्रोस्की लड़कियों का मेडल जीतने वाली है।
अनफॉर्चुनेटली वंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम द स्कूल, दुर्भाग्य से वंडा स्कूल में उपस्थित नहीं थी फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, एंड इज नॉट हेयर टू रिसीव द एप्लॉज। और इज नॉट हेयर, वो यहाँ नहीं है टू रिसीव द एप्लॉज, ये प्रशंसा पाने के लिए, दैट इज ड्यू टू हर, जो उसके कारण है। लेट अस होप, हम आशा करते हैं, शी विल बी बैक टुमारो, कि वह कल आ जाएगी। नाउ क्लास, अब क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, आप पूरे रूम में जा सकते हो एंड लुक, देख सकते हो एट हर एस्क्वाइट ड्राइविंग, उसकी शानदार ड्राइविंग को, अच्छी ड्राइविंग को। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू एप्लॉजीज, बच्चे भी जोर जोर से तालियां बजाते हैं प्रशंसा करते हुए। एंड इवन द बॉयज वर ग्लेड, और यहाँ तक लड़के भी खुश है, टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, कि उनको भी पैर पर, पर्स पर पैर पटकने का मौका मिल गया। बट देयर फिंगर इन हर माउथ, लेकिन उसके उंगलियाँ मुँह में थी, एंड विसल, और वे उन्होंने सीटियाँ भी बजाई। दो यद्यपि दे वर नॉट इंटरेस्ट इन ड्रेसिस, यद्यपि उनको लड़कों की ड्रेसों में कोई रुचि नहीं थी। लुक पेग विस्पर्ड मेडी, मेडी ने धीरे से बोला, देखो पेग, देर इज द डेट ब्लू वन, ये नीले रंग की है, शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इजेंट इट ब्यूटीफुल, क्या यह सुंदर नहीं है, या सेड पिगी, पिगी ने कहा सुंदर है। एंड हर डेट ग्रीन, और वह ग्रीन वन, और वह एक ग्रीन बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, लड़कों और मैं ने सोचा था, आई कुड ड्रॉ, मैं खींच सकती हूँ, बना सकती, चित्र बना सकती हूँ। वाई डिड मेडी आस्क पेगी टू स्टॉप टीचिंग वंडा, मेडी पिगी को चिढ़ाने, मेडी पिगी से क्यों कहना चाहती थी कि वो वंडा को चिढ़ाना बंद कर दे। वाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, उसको क्या डर था। हु डिड मेडी थिंक वुड विन, मेडी ने किसके बारे में जीतने की सोची थी। द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वाई क्यों सोची। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता। वाट हेड द विनर ड्रॉ, विनर ने, विजेता ने क्या बनाया था।